अपनी बॉडी का ध्यान रखो, एज सिंपल एज इट मे साउंड, बॉडी को स्ट्रांग बनाओ। कितने हैं जो एक्चुअल में अपनी बॉडी के ऊपर डेली एक घंटा काम करते हैं अच्छे तरीके से, मतलब बॉडी चीखने लग जाती है, कहती है कि नहीं बस करो, बहुत हो, चाहे वो योगा हो चाहे जिम हो चाहे ये हो वो हो, एक्चुअल में स्वेट निकलता है बॉडी में बहुत कम। करते भी होंगे तो मुझे पता है क्या करते होंगे, थोड़ा तो बैलकनी में वॉक कर ली तो और तो बहुत हो गया, बहुत हो गया, और तो अब जरा खा लेते हैं। इतनी सी बैलकनी नहीं है, वहां पे वॉक कर रहा हूँ, देखा है मैंने ऐसे लोग। मैं कह रहा हूँ बॉडी पे काम करने का मतलब क्या, समझ आ रहा है डेफिनेशन, समझ आ रही है? पसीने आने से, यू मस्ट स्वेट, कितना एक्सरसाइज करना है तभी आपकी बॉडी फिट रहेगी। बॉडी इसी के लिए बनी, पड़े रहने के लिए नहीं बनी। सिर्फ नाम के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी, नाम के लिए वर्कआउट नहीं करना, एक्चुअल में करना। तो अब ये बात थियोरेटिकली तो हमको समझ आती है, प्रैक्टिकली हम ये नहीं करते, तो सीखा है अपने। अरे क्या बकवास बात है, लोगों के पास में टाइम नहीं है, ये एक्सक्यूज है। नेवर गेट इन टू दिस एक्सक्यूज मोड। दिन में 24 घंटे होते हैं, मैं क्या कह रहा हूं कि दिन में 24 में से 20 घंटे करो, 24 घंटे में से एक घंटा परसेंटेज वाइज कितना हुआ, हार्डली 4%। एक घंटा तो अपने ऊपर लगाना बनता है ना, अपनी बॉडी के ऊपर। और टाइम नहीं है तो टाइम हमारा जा रहा है तो कहां जा रहा है? अगर बॉडी आपकी फिट नहीं रही तो अचीव कर भी लिया वो किस काम का है? आप कहते हो टाइम नहीं है, किस में टाइम जा रहा है? पैसा कमाने में जा रहा है, ठीक है पैसा तो आपने कमा लिया, बॉडी की वॉट लगी हुई है, कमा किसके लिए? ऐसा आदमी ना खुद के लिए काम का है ना अपनी फैमिली के लिए काम का है, बल्कि लाइबिलिटी है, सच है। अगर आप कहते हो कि मैं अपने बच्चों में बिजी हूँ, तो वो माँ जो खुद का ध्यान नहीं रख सकती, वो बच्चों का क्या रखती? पहले आपको खुद का ध्यान रखना है, अब आप बच्चों का। तो इस एक्सक्यूज में कभी मत पड़ो, ये देख लो ये एक्सक्यूज, टाइम नहीं, नेवर से टाइम नहीं। द मोमेंट यू से दैट एंड योर ब्रेन एक्सेप्ट इट, स्टॉप इट टू। अब इस एक्सक्यूज को आप कहीं भी फिट कर सकते, जब मैं सर्वर बहुत कुछ आता हूँ, लेकिन टाइम दिए कोई मोटिवेशन काम नहीं है। समझो ऐसा क्यों होता है कि हम रुक जाते हैं, क्यों? देखो ध्यान से समझो, बिकॉज पड़े रहने में, कुछ ना करने में, यही कह लो आलसी बने रहने में एक मजा है, आलस में मजा है। सुबह 12 बजे उठने में मजा है या 6 बजे उठने में मजा है? 12 बजे उठने में करना ना पड़े, किसी को वर्कआउट करते देखते रहो, मतलब आराम से बैठे रहो, मतलब मान लो आपकी बैलकनी से कुछ नजर आता है, पार्क में लोग बैठे हैं, कभी कभी कर रहे हैं, कभी कभी देखते रहो, मजा आए। खुद करोगे तो सजा है। तो आपकी जो ब्रेन की सेटिंग है ना, उसको चेंज करो। अभी 3 पिलर्स में से हम पहले वाले पिलर, वो क्या है, यानी एक है पड़े रहने का मजा, लेकिन ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म में तो इसमें मजा है नो डाउट, बट लॉन्ग टर्म में ये आपको अंदर ही अंदर खोखला करता है। बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई गाड़ी चलने के लिए बनी है, उसको आप उठा करके गैराज में रख दो, पानी बारिश जंग लग सड़ जाएगी पड़े। तो अब आपको क्या करना होगा, अभी आपको मजा आ रहा है कुछ ना करने में, अगर आपको कुछ करने में मजा आने लग गया, उसमें भी मजा है, ये वो लोग समझ सकते हैं जो एक्चुअल में वर्कआउट करते हैं। बताना मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, कि जब जैसे कितने हैं जो जिम करते हैं या किसी तरह का कोई वर्कआउट करते हैं, जब हम अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, जैसे मान लो कोई वर्कआउट कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो 21 बार 22 बार करते हैं दर्द होता है, लेकिन उस दर्द में मजा है या नहीं? जो ब्रेन मस्ट क्रेव फॉर दैट स्वीट पेन, और मजे की बात क्या है, ब्रेन को पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत। आप जैसे ब्रेन को समझाने लग जाओगे, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, बच्चे को जिस मट्टी में ढाल दिया वैसे ही डर सकते, ब्रेन को अगर आपने ये बोलना शुरू कर दिया, ब्रेन मान लेगी, ब्रेन उसी तरह के केमिकल रिलीज करेगी कि अब आप नहीं कर सकते। बट अगर ब्रेन को आपने 1-2 हफ्ते तक झूठ बोला, ब्रेन को आपने बड़े प्यार से बेवकूफ बनाया, डरना नहीं है ब्रेन, ब्रेन को बड़े प्यार से बोला, देख बेटा ये तो पड़ा हुआ है ना, कुछ नहीं,
सपोज तू वहां जाएगा, तुमको कुछ स्पीड पे मिलेगा, उसके बाद में बॉडी में एक स्ट्रेंथ होगी, जब स्ट्रेंथ होगी तो चल भी रहा होगा तो उसमें एक मजा होगा। इफ यू स्टार्ट कॉलिंग इट स्वीट पेन, जैसे स्वीट्स के लिए हमारी ब्रेन क्रेव करती है, तो धीरे धीरे आप देखोगे इस स्वीट पेन के लिए ब्रेन क्रेव करने लगे। जिस दिन आपको नहीं मिलेगा आपको लगेगा कुछ मिसिंग, आपको लगेगा यार मजा नहीं, कुछ किया नहीं, दिन बेकार हो गया। अगर ऐसी आपकी हैबिट बन गई तो क्या होगा, अब आप नहीं भी चाहोगे तो आपको वर्कआउट करना ही, बाकी सारे एक्सक्यूज खत्म हो, टाइम अपने आप निकल जाएगा।